नमस्कार, मेरा नाम है शिवम मिश्रा और आज हम लोग वॉइस ऑफ योगा के इस फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हैं। मित्रों, हमारे पास विषय वस्तुओं की ऐसी प्रगाढ़ता है कि हमें जान पड़ता है कि हम आपके समक्ष आए और कुछ विषयों पे कुठाराघात करने की कोशिश तो जरूर करें। एक योग वेत्ता होने के नाते, एक योग का अक्षात्र होने के नाते, एक योग के सुभिक्षिक कर्मणों को अपने कंधों पर लेके चलने के नाते ये अपना दायित्व भी है और अपनी कर्मनिष्ठा भी, कि कुछ चीजें जो गलत होने वाली हैं या हो रही हैं या होंगी उसके विषय में अपने विषय वस्तुओं को जरूर आपके बीच में रखें। इन विषय वस्तुओं की कोई ऐसी ऐच्छिक भूमि नहीं रही है, कोई ऐसी प्रकंडता नहीं रही है जिसके कारण से इन भूमियों को हमें भूमैजिक मानना चाहिए, परंतु हमारे सामने कुछ ऐसे विषय आए हैं कि हमें खुद भी ये लगा कि हम आपके बीच में हैं। कहने का तात्पर्य है कि आज योग एक लेगेसी के तौर पे जो हमें हमारे पूर्वजों ने दिया था, हमारे कंधों पे दायित्व के तौर पे दिया था, उस दायित्व को हम कितना निर्धारित कर पा रहे हैं, उसका निर्धारण कितना कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने जो योग सीखा है या आपने जो योग जाना है या जो आप करते हैं या कराते हैं, क्या वो सिर्फ व्यावसायिक योग ही तो नहीं? क्या उसके आगे क्या योग भी आप जानते हैं या जानने की इच्छा रखते हैं, या उसकी पराकाष्ठा को समझते हैं या उसके सम्मान को समझते हैं? भाई, जिस समय एक राजा के दायित्व को एक व्यक्ति नहीं समझ पाया करता था तो वो राजा को बाय डिफॉल्ट नमस्कार किया करता था, प्रणाम किया करता था, उसको सम्मान दिया करता था। परंतु आज ऐसा नहीं है। हम अपने विषय वस्तुओं को जानते हैं और जो हमारे विषय वस्तुओं के आधार पे चीजें सही लगती हैं या गलत लगती हैं, हम उसे ही मानते हैं कि वास्तव में यही बात ही सत्य है, अन्य सारी बातें मिथ्या हैं। इदम सत्यम जगत मिथ्या, ये वाली बात है, ब्रह्म सत्यम वाली बात हुआ करती थी पहले, लेकिन अब ये बदल चुका है। पहले ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या था, अब इदम सत्यम जगत मिथ्या, अहम सत्यम जगत मिथ्या वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। मतलब ये है कि आप जो जानते हैं सिर्फ उसी विषय वस्तुओं को लेके आप आगे बढ़ते हैं और अपने से वरिष्ठ किसी भी विषय के वेत्ता के ऊपर आप कुठाराघात करने को आमदा है। आज का जो विशेष चलन है योग को स्पोर्ट्स बनाने का, इस स्पोर्ट्स और योगासनों के स्पोर्ट्स में, इस विषय में हम आज आपसे वार्ता करेंगे। ये वार्ता मनोकायिक अवस्था में चलेगी। कई बार ऐसा भी होगा कि हमारे शरीर में इन चीजों को लेके बहुत शीतलन आएगी कि क्यों ना हम भी खेलें, क्यों ना हम भी जीते, क्यों ना हम भी पार्टिसिपेट करें, क्यों ना हम जज बने, क्यों ना हम कुछ ऐसा बने जिसके कारण से हमारा भी नाम हो, हमारा भी काम हो। बेशक हमारे पास में राजनैतिक परिप्रेक्ष्य हो या ना हो, राजनैतिक पगडंडी हो या ना हो, परंतु हम आगे जरूर बढ़े। देखिए, एक योग का एक लंबा इतिहास रहा है, ये हम सब पढ़ते आ रहे हैं। खेलों का भी एक ऐसा ही इतिहास रहा है, चाहे वो भारतीय खेल हो, चाहे वो ओलंपिक्स का खेल हो, या फिर किसी भी विश्व के किसी भी खेल का। कुछ ऐसे खेल रहे हैं जो अनादिकाल से चलते चले आ रहे हैं, ओलंपिक गेम से भी पहले से उनकी पराकाष्ठा चल रही है। विगत दिनों योग को खेल बना दिया गया। योग के खेल बन जाने के बाद से हम सभी के अंदर एक कहीं ना कहीं एक ऐसी भावना है जिस भावना के कारण हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में हम करें क्या। क्या ऐसा तो नहीं कि ये खेल जो है ये हमारे लेगेसी के साथ में कोई खेल कर दे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये खेल जिसे हम खेल मान रहे हैं ये खेल नहीं, एक दर्शन है और दर्शन को हम कभी भी बर्बाद नहीं होने दे सकते? या इसके बीच में उपस्थित लोगों के मध्य की राजनीति, तमाम विषय है जो हम सभी के सामने आता रहता है। कुछ अनुभवों के आधार पर मैं ये भी कहने में बिल्कुल हिचक नहीं सकता कि जो जिसका होता है वो उसी का होता है। अर्थात ये कि जैसे कुछ और अन्य खेलों की हम बात करें, यदि नाम ना भी लें, तो उनमें जिस कोच का बच्चा है, जिस कोच का जानने वाला खिलाड़ी है, उसको उस खिलाड़ी को तवज्जो दूसरे खिलाड़ियों की अपेक्षा ज्यादा मिलती है। यानी यदि आप किसी दूसरे कोने से आते हैं जहां आपके नोन में कोई बहुत अच्छा वीआईपी नहीं है, जो ऊपर फेडरेशन में ऊपर हो, वो व्यक्ति वो बच्चा कभी भी आगे ना बढ़ सके, ऐसी भावनाएं देखने को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूँ पिछले दिनों घटित हुई कुछ घटनाओं की, चाहे वो दूर कर्नाटक राज्य हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो नागालैंड के खिलाड़ी हो, चाहे वो गुजरात के खिलाड़ी हो, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हो, या उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी। इन तमाम खिलाड़ियों के अंदर से निकलने वाली भावनाएं हमें आहत करती हैं।
बहुत सारे बच्चों की खबरें हम तक आती हैं और हम ये समझते हैं कि वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि एक सेट फुलक्रम निर्धारित हो, एक सेट आवरण निर्धारित हो, जिस आवरण के आधार पे कुछ चयन हो, कुछ मापदंड। क्योंकि कुछ बच्चों का आसन, देखिए सारे बच्चों का आसन बहुत ही परफेक्ट लगता है, लेकिन आसनों को ये निर्धारित करे कौन कि ये आसन बिल्कुल परफेक्ट है, ये निर्धारण ही अपने आप में प्रश्न का विषय है। महर्षि पतंजलि हो, महर्षि स्वात्माराम हो, स्वामी स्वात्माराम जी हो, घेरंड संहिता के प्रवेत्ता स्वामी घेरंड जी हो, या इस तरीके की अन्य जो भी किताबें या उसके प्रवेत्ता हैं या हठ योगी हैं, इन लोगों ने हर आसनों के लिए कुछ ना कुछ मापदंडों का निर्धारण किया है। उस मापदंडों के इतर निकल के हमने जो भी चीजें देखी हैं, जो भी निर्धारण किया है, हम खेल को उसी उसी तरीके से ले रहे हैं। लेकिन ये कौन निर्धारित करे कि ये आसन जो है, जो आसेत इति आसनम का कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने पूरी तरीके से सही चल रहा है। आसेत इति आसनम, जब ये बात कही गई, जब ये बात कही गई, स्थिरम सुखम आसनम की परिभाषा की गई, तो उस समय कोई ये बात नहीं समझा कि वास्तव में हम लोग इस चीज को चरितार्थ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। हमारे सामने बहुत सारा विषय वस्तु हमें परेशान करने वाला। आज हर एक आसनों की अपनी पराकाष्ठा है। पिछले दिनों एक नया आसन हमारे सामने आ रहा था जिसका नाम रखा गया मरोड़ आसन। मरोड़ आसन इन द सेंस कि आप अपने बॉडी को कितना ट्विस्ट कर रहे हैं, ट्विस्टिंग को हमने हिंदी में मरोड़ आसन कर दिया है। ट्विस्ट को गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मरोड़ ही लिख के आएगा। ऐसी अगर ऐसी हिंदी और ऐसी संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग हम राष्ट्रीय खेल में, एक्चुअली योग को खेल बनाया एक सेपरेट विषय है, लेकिन यदि ऐसे शब्दावली का प्रयोग हम अपने लिए करने वाले हैं तो कितनी अनैच्छिक बात है। पहले के लोग चाहते तो मार्जरी आसन नहीं बिल्ली आसन बोल सकते थे। पहले उन्हें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि मार्जरी आसन, उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, मरकट आसन इस तरीके के शब्द उन्हें क्या आवश्यकता थी वो लेते। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम जिस भी प्रकार से आसन लगाते हैं उसका नामकरण हम स्वयं करते हैं और ये मान बैठते हैं कि वास्तव में हमने जो नाम दिया है ये ही सत्य है, क्योंकि मेरे आयाम के आधार पर मैंने जो चीजें रखी हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है, अप टू डेट है और ये ही सत्य है, क्योंकि इदम सत्यम जगत मिथ्या वाला कॉन्सेप्ट हमारे मन में चल रहा है। मरोड़ आसन की बात कर रहा हूँ। आप सभी ये बात जानते हैं कि मरोड़ आसन, दैट मीन्स ट्विस्टिंग, जो ट्विस्ट करने की पोजीशन है, वो कोई भी अवस्था में मरोड़ नाम के शब्द से फुलफिल नहीं हो पाती। पिछले दिनों कुछ बच्चों ने इस विषय पर प्रश्न उठाया भी। आज वॉइस ऑफ योगा के इस मंच से आप सभी के सामने अपने आप को रखते हुए मुझे बड़ा गौरव भी महसूस होता है कि मैं आपके सामने इन बातों को बहुत निधड़क, बहुत बेबाकी से कर सकता हूँ। मित्रों, हमारे सामने बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन इन सारे आयाम को समझे कौन, इन सारे आयाम को जाने कौन। जो योग का वेत्ता है, जो योग का फिलोसफर है, वो अपने फिलोसफीज को गढ़ने में ही लगा पड़ा है। जो योग के खिलाड़ी हैं, वो बेचारे राजनीति के शिकार हो सकते हैं। जो योग के कर्मनिष्ठ हैं, वो अपने क्षेत्र में पैसे बनाने के लिए लगे पड़े हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यदि एक एकेडमिशियन अपने एकेडमिक्स में लगा है तो एक बिजनेसमैन जो योगा के व्यवसाय में लगा पड़ा है, वो अपने बिजनेस को क्यों ना आगे बढ़ाए, ऐसा क्यों ना हो। लेकिन इन सब में जो चीज परेशान होगी वो है वास्तविक योग। मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि पूरी तरीके से योग के वेत्ता ही इस चीजों को निर्धारित करेंगे। मैं ये भी क्लेम नहीं करता कि योग के व्यवसाय इसको निर्धारित करेंगे, लेकिन ये जरूर क्लेम करता हूँ कि हम सब यदि मिलके इन सारी चीजों का निर्धारण करें, अच्छे तरीके से एक यूनिट में बैठ के इस काम को करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इन चीजों से अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएंगे। भारी चीजें ही ऊपर जाती हैं, हमारी चीजें स्थानांतरित ना हो, अपने स्थान पर बनी रहे, जो हमारी लेगेसी थी वो एज इट इज बनी रहे, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। योग की लेगेसी समझना बहुत मायने रखता है। पिछले दिनों एक व्याख्यान माला में मैं सुन रहा था कि योग की तीन विधाएं बताई गई, जिसमें ब्रह्मा जी के शरीर से निकला हुआ एक योग, विष्णु के शरीर से निकला हुआ योग, और एक शिव जी के शरीर से निकला हुआ योग। ब्रह्मा जी के शरीर का योग, शिव जी के शरीर का योग और विष्णु जी के शरीर का योग, इन तीनों ही योगों को मिला के पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र का निर्धारण किया। वास्तव में शिव का योग जो था, जो हठ योग के तौर पर हम जानते हैं, वो एक अलग फॉर्मेट में चलता है। इसके अलावा हमारे पास में और भी ऑप्शंस आते हैं, जिसमें एक ऑप्शन यदि देखा जाए शिव योग के अलावा, तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन है विष्णु का, जिसमें हम लोग तमाम आसन करते हैं, जिसमें राजयोग की पराकाष्ठा है, विचार योग की पराकाष्ठा, कर्म योग की बात की स्वयं गीता ने विष्णु ने, और ऐसे ही चिंतन योग की जो बात आती है, जो ज्ञान योग की बात आती है, जो लय योग की बात आती है, वो ब्रह्मा के शरीर से निकला हुआ योग।
जब पतंजलि ने इन तीनों चीजों को कोलाबोरेट किया तो उन्होंने सबसे पहला सूत्र लिखा, अति योग अनुशासनम, अभियोग अनुशासित तौर पे चलेगा, क्योंकि बहुत सारे रेक्टिफिकेट फॉर्मेशन में चलते हुए आपके बीच तक पहुंच रहा था और आप ये कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर योग का परम उद्देश्य क्या है, क्योंकि आप शिव के योग को ब्रह्मा के योग से मिलाने की कोशिश करते हैं और जब भी आप मिला नहीं पाते तो आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, और फिर यहाँ पे जन्म लेती है आपके योग की परिभाषा, फिर आप अपने योग को, अपने आसनों को अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं। इन चीजों को कौन समझे कि आखिर जब पतंजलि ने अति योग अनुशासनम लिखा था तो उस डिसिप्लिन, उस एक डिसिप्लिन, जैसे मैं साइंस डिसिप्लिन का स्टूडेंट हूँ, जैसे मैं आर्ट्स डिसिप्लिन का स्टूडेंट हूँ, जैसे मैं कॉमर्स डिसिप्लिन का स्टूडेंट हूँ, ठीक उसी प्रकार योग के डिसिप्लिन क्या है, आखिर कौन से डिसिप्लिन को हम लोग लेके चले, कौन से विभूतियों को लेके चले। आज देखने में आता है कि हर एक योगी के मन में, हर एक योग करने वाले के मन में कहीं ना कहीं घृणा है, कहीं ना कहीं द्वेष है, कहीं ना कहीं अनिद्रा है, अस्मिता है, क्लेश है, अभिनिवेश है, तमाम चीजें। क्लाइंट्स के सामने हम जब जाते हैं तो हमें लगता है कि हम जितना डिफिकल्ट आसन क्लाइंट्स को करा दें या किसी बच्चे को करा दें, वो बच्चा बेशक अपने बाकी सारी चीजों को, जो भी उसकी शारीरिक और क्रिया विज्ञान की गतिविधियां हैं, उसको छोड़ दे, फिर भी हमें ये फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जितना आसन लगाएगा, जितनी तालियां बजेंगी, उतना ही मेरा नाम होने वाला है, क्योंकि मैं उसका गुरु हूँ, मैं उसका कोच हूँ, मैं उसका टीचर हूँ, मैं उसका ट्रेनर हूँ, मैं उसका थेरेपिस्ट हूँ। ये अवस्था क्यों नहीं समझी जा रही है कि आखिर उस बच्चे को जो 10 साल से छोटा है, यदि वो कुछ भी कर रहा है ऐसा आसन जिससे उसके लंबाई पे असर पड़ने वाला है, तो हम इस अवस्था को छोड़ दें और अपने लिए वो जो तालियां बजाने वाला कॉन्सेप्ट है उससे ऊपर उठे। पूरा विश्व आज इस आपके तरफ देख रहा है, आप इस परिविधा से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। पिछले दिनों मैं फेसबुक पे एक कमेंट पढ़ रहा था, एक कोई पेज है एक्सपोज्ड योगी करके, उस पेज में आप घुस के देखिए, आप वास्तव में आपके अंदर इतनी शर्माहट आएगी कि आप खुद भी ये नहीं सोच पाएंगे कि क्या मैं इस धारा से हूँ, पूरे विश्व में क्या इम्पैक्ट जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगभग 500 योग के ऐसे छात्रों के विषय में, ऐसे जो तथाकथित योग गुरु हैं उनके विषय में विदेशियों ने टिप्पणियां की हैं। उन्होंने बोला है कि वास्तव में नहीं, आप लोगों ने जो किया है वो बहुत गलत है, आप हमें बुलाते हैं और अलग अलग तरीके के योग पता नहीं क्या क्या सिखा देते हैं, ये तो बड़ा गलत है। जब योग का कोई फॉरवर्ड लीडर नहीं होगा, जब योग को कोई, भाई वो विदेशी भी किससे बोले, वो अपनी बातें फेसबुक पे लिखते हैं इसलिए नहीं लिखते हैं कि वो अपेक्षा करते हैं कि वो ठग लिए गए तो आप उनको वापस उनका पैसा या उनके उनके उनकी अस्मिता, उनकी इज्जत, आप उनकी आबरू आप उनको लौटा दीजिए, इसलिए नहीं वो लिखते। वो इसलिए लिखते हैं कि आगे कोई व्यक्ति इन सारी चीजों से इन चीजों से प्रभावी ना हो पाए, क्योंकि उनको ये पता है कि ना ही यहाँ पे कोई इसका बहुत बड़ा प्रकांड वेत्ता है, ना ही इसका कोई लीडर है, और ना ही कोई इसका कुछ कर सकता है, क्योंकि जैसे ही आप किसी पे टिप्पणी करेंगे अगला व्यक्ति आपके खिलाफ 1,000 टिप्पणियां करने लगेगा। और फिर क्योंकि यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है भारत में, वो ये है कि हर व्यक्ति अपने दिमाग के आधार पे दूसरे दिमाग के आधार पे भिन्न है, दो माइंड बिल्कुल डिफरेंट है, और जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो एक साथ होते हैं, बेशक वो गलत हो या सही हो, गलत व्यक्ति की भी अपनी एक एक सीमा है, गलत व्यक्ति भी अपने आप को एक साथ में 10-20 लोगों को जोड़े हुए है, और उसके पद के अनुसार उसकी इज्जत, उसके स्वभाव के अनुसार उसकी इज्जत हो ही नहीं सकती। ये बात बहुत कष्टकारी है। हम जब वॉइस ऑफ योगा से बोलते हैं तो ये योग की आवाज है, और योग की आवाज तो सिर्फ यही कहती है कि हमें अपनी मंतव्यता को निर्धारित करना होगा, हमें ये सोचना होगा कि क्या हम जिसका सपोर्ट कर रहे हैं वो बेशक किसी भी पद पे हो, किसी भी पहलू पे हो, लेकिन क्या वो सत्य है, क्या आपके पास इतनी हिम्मत है। मैं पिछले दिनों कुछ आचार्यों से मेरी बात हो रही थी, आज भी ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं जो बिल्कुल बेधड़क निधड़क किसी भी मंच से आते हैं और बाखूबी बोलते हैं इस बात को कि नहीं मुझे किसी से डर नहीं लगता है, और डर लगता भी है तो कोई मेरा क्या कर लेगा, मैं क्या ही लेके आया था और क्या ही लेके जाऊंगा। योगियों को योगियों से डर लग रहा है, आप सोचिए ये कॉन्सेप्ट कितना कठिन है। बाहर के लोग आप पे क्या भरोसा करेंगे, आप जब अपने आप में ही एक दूसरे से डर रहे हैं, एक दूसरे के डर के कारण आप एक दूसरे के खिलाफ आवाजें नहीं उठा रहे हैं और जो भी चीजें गलत हो रही है उन गलतियों के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। हर एक पहलू है, इन पहलुओं पे हमें सोचना हो। ये पहलू इतने कष्टकारी हैं कि जब खेल के तौर पे योग को हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि वास्तव में आगे आने वाला समय कितना कठिन होने वाला है, क्योंकि जब ऐसे नाम रखे जा रहे हैं मरोड़ आसन जैसे, या जब ऐसे नाम रखे जा रहे हैं कि एक एक बच्चा है, दो बच्चा है, तीन बच्चा है, ऑनलाइन ही हमें निर्धारित कर ले रहे हैं कि वो कितना अच्छा योग कर पा रहा है, तो बाकी चीजों के खिलाफ क्या ही होगा। इससे बढ़िया ऑनलाइन बैडमिंटन की चैंपियनशिप करा लीजिए, ऑनलाइन टेबल टेनिस की चैंपियनशिप करा लीजिए,
वो प्रेशर कहाँ रहा? जो खेल एक प्रेशर क्रिएट करता है, वो माइंड बॉडी सोल का एकत्व कहाँ रहा जो एक खेल के माध्यम से होता है? मैं कहता हूँ योग तो एक बहुत बाद की चीज है, आपने योग को खेल बनाया है, कम से कम खेल के नियमों को तो देख लेते हो। आप वॉलीबॉल का मैच करा लीजिए ना ऑनलाइन, क्यों नहीं करा लेते? योग का मैच आपने ऑनलाइन करा लिया और ये मैच जो था ये ना ही वो प्रेशर क्रिएट कर पाने वाला है, क्योंकि सामने एक कैमरा रखा पड़ा है और व्यक्ति ना ही किसी को देख रहा है और उससे कुछ लेना देना नहीं, वो अपने आसन कर रहा है जैसा वो लिटरल करता है। उस प्रेशर के कारण मैं मानता हूँ कि बहुत कठिन कठिन आसन दिए गए, छोटे बच्चों के लिए इतने कठिन आसन देने की क्या आवश्यकता थी? आप वर्ल्ड चैंपियनशिप करा रहे हैं, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं आप। देखिए मैं ये नहीं कहता कि योग को खेलना बनाइए, मैं खुद भी इसका बहुत बड़ा प्रवक्ता रहा हूँ, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ चीजें तो ऐसी होनी ही चाहिए जहाँ पे आप ये निर्धारित कर सकते। मैं मान लिया कि आपके पास में बहुत सारे खेलों का अनुभव है, आप अलग अलग खेल से होके आए हैं, आपके पास इतने सारे खेलों का ज्ञान रहा है, लेकिन आप योग को खेल मान के नहीं जस्टिफाई कर सकते। योग को योग मानिए, खेल में भेजिए, दैट्स अ सेपरेट इशू, लेकिन आप योग को खेल मान के जस्टिफाई करें ये नहीं हो सकता। आज भारत की फेडरेशन में न जाने कितने दूसरे खेल के खिलाड़ी आ पड़े, हर खिलाड़ी, कोई बैडमिंटन का खिलाड़ी, कोई वॉलीबॉल का खिलाड़ी, कोई बास्केटबॉल का खिलाड़ी है, वो अपने खेल को बहुत अच्छे से जानता है कि उसका खेल कैसे होना है। कोई भी खिलाड़ी हो, जो मान लीजिए कोई मान लीजिए बैडमिंटन का खिलाड़ी, उसको पता है कि उसके बैडमिंटन उसके कोर्ट में कितनी इज्जत है, वो अपने कोर्ट में किस प्रकार से जाएगा। लेकिन आज योग के खिलाड़ियों के बीच में ऐसा नहीं, हर व्यक्ति एक दूसरे से एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहा है। ये हर हफ्ते हम इस विषय पर बात करेंगे। आप सभी को आज मैं आमंत्रित करता हूँ अपनी आवाज उठाने के लिए वॉइस ऑफ योग पे। आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ आपके अंदर चलने वाले तमाम उठापटल को कि आप यहाँ पे आए, उठापटक को कि आप यहाँ पे आए और हमारे साथ में शेयर करें। ये शेयरिंग हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अपने कष्टों को बांटेंगे, हो सकता है कि फिर कष्टों का कुछ ना कुछ अनावरण हो और ये आवाज जहां तक पहुंचेगी कुछ लोग इसको जरूर सुनेंगे और जरूर तवज्जो देंगे और ये मानेंगे कि वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर होने वाली तमाम चीजें जो हमें बोल देनी चाहिए, जो हमें कह देनी चाहिए, जो हमें बेबाक मुखी से रखनी चाहिए, उसके लिए एक हमें मंच मिला है वॉइस ऑफ योग। आप सभी के इस मंचों के लिए, आप सभी के इन शब्दों के लिए, एक मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ कि हमारे मन से निकलने वाली हर एक बातें जो भी हम समाज के सामने रखेंगे वो बिल्कुल जेन्युइन होंगी, बिल्कुल ऑब्वियस होंगी, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम किसी से द्वेष रखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ये कहते हैं कि आप हमारी ही बातों को मानिए। बस इतना है कि आप इन सारी बातों पे सोचिए और ना ही इन विषयों में हमें आप अपने साथ बैठा के सोचवाएं, ये भी मैं बिल्कुल नहीं कहता। हमारे कोई भी वक्ता, हमारे कोई भी जो भी प्रतिभागी हैं, यदि वो अपनी बातें रखते हैं तो आप अपने लेवल पे सोचिए, क्योंकि आप भी प्रबुद्ध हैं, आपकी भी प्रबुद्धता बहुत जायज है। आप योग के आचार्य हैं, योग के गुरु हैं, योग के अध्यापक हैं, योग के टीचर, ट्रेनर, थेरापिस्ट कुछ भी हैं, लेकिन आपकी प्रतिबद्धता, आपकी प्रतिबुद्धि के ऊपर बहुत हावी हो, ऐसी मेरी कामना है। इन सारी मंगल कामनाओं को यदि एक बार समेटा जाए, एक शब्दों में कहा जाए, तो सिर्फ ये है कि हर एक योग की एक आवाज होती है। हर वो व्यक्ति जो पीछे भारत में कहीं दबा कुचला महसूस कर रहा है योग के कारण से, चाहे वो गवर्नमेंट से संबंधित नियमावली हो, चाहे वो योग खेल से संबंधित नियमावली हो, चाहे वो किसी संस्थान से संबंधित नियमावली हो, चाहे वो विश्व में किसी भी कोने में होने वाली दुर्घटनाएं या घटनाएं हैं जो योग से संबंधित है। पिछले दिनों मैं फेसबुक लाइव कार्यक्रम में एक व्यक्ति को देख रहा था, वो वियतनाम से लाइव थे, मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, वो लाइव थे और वो ये कह रहे थे कि ये कंपनी मुझे सैलरी नहीं दे रही है, मेरा शोषण कर रही है। लाइव कार्यक्रम में वो ऐसा दोषारोपण कर रहे थे उस वियतनामी कंपनी के ऊपर, और वियतनामी कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह सब बैठ के देख रहे थे। कर लो, तुम्हें जो करना है कर सकते। ऐसा ऐसा ना हो किसी योग के बच्चे के साथ में, ऐसा ना हो किसी योग के टीचर के साथ में, ऐसा ना हो किसी योग के अध्यापक के साथ में, ये हमें सुनिश्चित करना होगा। हम ये मानते हैं कि आप चाहे किसी भी तरीके से वॉलंटरी स्कीम्स से लिए जाने वाले सर्टिफिकेट के बजाय, यदि आप अपने खुद को, अपने आप को इतना योग्य बनाए कि आपको किसी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता तब पड़ने लगे जब आप अपने आप को वैश्विक पटल पर रखते हो, या किसी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता ना पड़े, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका ज्ञान इस कदर हो कि आप किसी सर्टिफिकेट के मोहताज ना, तब आप अपने को मानिए कि आप वास्तव में योग के आचार्य के लिए बहुत ही उत्कृष्ट पुरुष या महिला है। मित्रों, आज इस वॉइस ऑफ योगा के पेज से आना मेरे लिए बहुत ही गौरव का
विषय रहा, आप सभी से बात करना भी बहुत गौरव का विषय रहा। आगे हम लोग हर रविवार इसी तरीके से मिला करेंगे। पीछे चलता हुआ ये गायत्री मंत्र और आपके लिए, आपके मन में चलता हुआ गायत्री मंत्र हम सभी को प्रेरणा देता रहे। हम हमेशा सत्य निष्ठा की बात करेंगे, चाहे कुछ भी हो। सत्य निष्ठा के इतर जाने हमारे ना ही परिपेक्ष में था और ना ही हम जाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सारे वक्तव्यों के साथ में मैं अपनी अपनी वाणी को विराम देने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप सभी में से किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का निर्धारण निसंदेह मैं कर सकूं। आप सभी के सहयोग और समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। आशा करता हूं कि आप हमसे हर रविवार जुड़ेंगे और अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।